Hello everybody and welcome back to your YouTube channel. Hope you guys are doing well and all of you guys are in good health. तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आई हूँ चुंडा। तो इस वीडियो में आप लोगों को चुंडा की हिस्ट्री और कुछ मकामात की सैर करवाऊंगी। चुंडा है तो एक छोटा सा शहर मगर एक बहुत बड़ी तारीख को अपने लपेट में लिए बैठा है। चुंडा 1965 के जंग के 22 टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है और कुछ लोग इसे सिटी ऑफ प्रेयर्स के नाम से भी जानते हैं। अगस्त 1965 में दुश्मन ने कश्मीर के कुछ मुकामात पर कब्जा कर लिया। इस वजह से ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया और दुश्मन की 30,000 फौज को सीज कर दिया गया। दुश्मन ने घबरा कर 8 सितंबर 1965 में 400 टैंकों के साथ चुंडा के मुकाम पर हमला किया। दुश्मन तीन मुकाम से दाल हुए, बाजरागरी, नहनार, चारवाल। चूँकि उस वक्त तमाम फौज नारोवाल के मुकाम पर अंगेज थी, इसी वजह से दुश्मन 15 किलोमीटर अंदर दाखिल हो गया। और ये जो रेलवे स्टेशन है जिस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वो मुकाम था जहाँ पर दोनों फौजों का आमने सामने डट कर मुकाबला हुआ और दुश्मन अपने 600 लाशें और अपना साजो सामान यहाँ पर छोड़कर भाग गए। और ये दरख्त इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, इसकी एक खासियत है, यह है तो नीचे से एक ही दरख्त मगर इसके ऊपर दो किस्म के दरख्त हैं, एक पीपल का और दूसरा सफ़ेदे का। और चुंडा का रेलवे स्टेशन ही वो मुकाम है जहाँ पर दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। पाक फौज ने दुश्मनों के 44 टैंकों को अपने 40 टैंकों के साथ तबाह कर दिया। दुश्मनों ने घबराकर अपनी 600 लाशें और तमाम साजो सामान को मैदान जंग में छोड़कर भाग गए। इन लाशों को जंगे बदी के बाद दुश्मनों को वापस कर दिया गया। ये जंग 8 दिन तक जारी रही। ये जो रेलवे का डब्बा इस वक्त आप सब देख रहे हैं, ये इसे 1965 में स्टेशन रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दिखाने का मकसद ये है कि 1965 के दौरान जो गोलाबारी और गोलियां चली, उनके निशान आज तक इस पर मौजूद हैं। इस जंग के दौरान इस स्टेशन पर बहुत नुकसान हुए मगर जंग के बाद इस पर बहुत काम किया गया और अब इसकी हालत पहले से बहुत बेहतर है।
और ये जो घर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, इसे 1965 के जंग के दौरान दुश्मन अपने रहाइश का यानी रहने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जो कि आज भी उसी हालत में मौजूद है। ये है शर्मन टैंक जो 1965 की जंग में इंडिया से छीना गया था। और ये जहाज 1965 की जंग में इस्तेमाल किया गया, ये जहाज MN आलम की सीरीज में से एक है। और ये है आउटडोर्स यानी सबमरीन जो 1965 की जंग में इस्तेमाल की गई। ये वाली आउटडोर्स अब इस्तेमाल नहीं होती, मगर ये वही आउटडोर्स है जो 1965 की जंग के अंदर इस्तेमाल की गई। ये अंकल की स्पेशल एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से ये लाइब्रेरी है। हाँ, अभी बस ये ना बेटे वो है तावीज़, ये एक आदमी ने मुझे दिया था, आज उनका फोन भी आया। उनका नाम है तुफैल, माइक मोहम्मद तुफैल। उन्होंने 65 की जंग लड़ी थी एज अ सोल्जर, और ये उस वक्त तावीज़ गले में पहनते ना तो सारे जंग में शामिल थे। इसमें इनके पुराने दिन का नुस्खा है छोटा, ताकि अगर शहीद भी हो गए तो कदर के लिए जरा आदमी नहीं रखे। नायक मोहम्मद फैज, आज उनका फोन आया ये दिन बारे के लिए ना, उन्होंने कहा मुझे आप याद करके, मैंने कहा रात को आपको याद कर रहे। बस इसी तरह ये लोग आते हैं, अभी बहुत कम रह गए ना लोग जिन्होंने वो जंग में हिस्सा लिया था। एक वो उधर है और एक लाहौर है, वो लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हुए, इतिहास में था। तीन चार आदमी रह गए, बाकी एक हमारे बाबा जी थे वो फौज हो गए इसी साल, उन्होंने भी जंग में हिस्सा लिया। आगे भी कौन कौन सी और आप कौन सी पढ़ते हो आप?
और ये गोलगप्पे हमें अंकल उसी को हमारे ऑफर किए और हमने क्या फिर रिजेक्ट नहीं किया, तो फिर उन्होंने एक गोलगप्पे हमारे लिए हाथ लगवाए थे। और ये कब्रिस्तान जो इस वक्त आप सब देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर 1965 में जंग लड़ी जा रही थी। ये उस वक्त तो कब्रिस्तान नहीं था, मगर जंगे बदी के बाद यानी 1965 की जंग के बाद इसे कब्रिस्तान में बदल दिया गया और इस कब्रिस्तान में शहदा की कब्रें भी बनाई गई। यहाँ पर 10 कब्रें मौजूद हैं और यहाँ पर इज्तिमाई कब्रें भी हैं, यानी एक कब्र में 2 से 3 शहदा को दफन किया गया है। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर सिपाही मोहम्मद मुश्ताक अहमद शहदा की कब्र मौजूद है और इसी तरह बहुत दीगर शहदाओं की कब्रें मौजूद हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इज्तिमाई कब्रें भी मौजूद हैं। इन कब्रों पर लिखे तो 2 से 3 शहदाओं के नाम हैं, मगर एक कब्र में 10 तक शहदाओं को दफन किया गया है। हुआ कुछ यूँ कि 1965 की जंग के बाद जिन शहदाओं की पहचान ना हो पाए उन्हें इन शहदाओं के साथ ही दफन कर दिया गया। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पहले ये कब्रिस्तान मौजूद नहीं था, अब तो ये एक मुकम्मल शहर में बदल गया है, मगर 1965 की जंग के दौरान यहाँ पर कोई शहर और कोई कब्रिस्तान मौजूद नहीं था, मगर जंग के कुछ सालों बाद यहाँ पर एक मुकम्मल शहर बन गया और ये कब्रिस्तान बनाया गया। ये कब्रिस्तान और ये जगह जो कब्रिस्तान है यहाँ पर अब कब्रिस्तान बन गया है, ये 1965 के दौरान वही जगह थी यहाँ पर असल जंग लड़ी जा रही थी, यही बैटल ऑफ फील्ड था। इसी तरह यहाँ पर हमारा चुंडा का सफ़र होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।